30 सेकंड हो गए हैं भाई और हम मौजूद हैं खान कोयटा फिश एंड रेस्टोरेंट के ऊपर। ये लोकेशन है जी इनकी हसन स्क्वायर। तालिया भाई जरा तालिया भाई दानियाल के लिए भाई तालिया जरा। आज भाई गुजर को काम लगेगा मुझे लग रहा है भैया। 40 सेकंड हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारा एक दोस्त हैं राणा कलीमुल्ला, उनकी है सालगिरह। आज की ये वीडियो हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में उनके लिए बेस्ट विशेज देनी है और उन्हीं की फरमाइश के ऊपर हम कराची में आज झींगे का और मुख्तलिफ़ किस्म की जो फिशेज हैं उनका कंपटीशन कर रहे हैं। इस में बैठेंगे जी गुंगा गुजर और उसके साथ अदनान भाई, एक टीम में बैठेंगे दानियाल खान और एक भाई मलेशिया से आए हैं हमारे साथ चैलेंज करने के लिए वो बैठेंगे। और हर टीम को हम टाइम देंगे, ये टाइम में इन्होंने 2 किलो फिश को खाना है, 2-2 बंदों ने, और जिस टीम का सबसे कम टाइम होगा वो हमारी विनर होगी। मेरे साथ ये गोल्डन मैन मौजूद है, ऐसे बंदे हम लोग फूड खाने जाएं किसी भी स्पॉट पर जाएं ये लोग आपके लिए तैयार होकर खड़े होते हैं। जब आप लोग खाना खाएं तो इनके लिए भी ख्याल कीजिए कि जी इनको साथ भी डाकर आप खाना खिला दिया करें। अल्लाह ताला आपको मज़ीद देगा, अल्लाह ताला आपकी रिज़क में उम्र में मालो जान में बरकत ता फरमाए। ये हमारा आज का पैगाम है जी, ये भी हमारे माशरे का हिस्सा है। आप लोगों के लिए डेकोरेट होके तैयार होके खड़े रहते हैं और कितनी कितनी देर स्टैचू बन के खड़े रहते हैं जी। भाईजान आप दोनों भाई रेडी हैं जी? 1, 2, 3 टाइम स्टार्ट है भाई आप दोनों का। 2 kg फिश है जी, गुंगा गुजर और दानिश भाई दोनों दनान भाई दोनों खाएंगे जी। और ये टाइम देंगे जी दानियाल खान और उसकी टीम को, ठीक है जी। बोतल ये जितनी पीना चाहें ये पिए, बोतल की पाबंदी नहीं है, हमें सिर्फ मछली से गर्ज है। मछली इन्होंने फिनिश करनी है दोनों भाइयों ने और अपनी अपनी तकनीक लगाएंगे दोनों टीम्स, ठीक है भाई। 30 सेकंड हो गए हैं भाई और हम मौजूद हैं खान कोयटा फिश एंड रेस्टोरेंट के ऊपर। ये लोकेशन है जी इनकी हसन स्क्वायर कराची में। आज इधर आज ना मेरे यहाँ इधर आज इतनी दूर से मैं आपका मैसेज पास नहीं कर सकता, मेरे पास है आपका मैसेज पहुँचाया जाएगा जी। 1 मिनट हो गया गुज्जर भाई आपका। गुज्जर भाई आज टफ टाइम देंगे ये दानियाल खान को। अमूमी तौर पे लोग कहते हैं जी आप दानियाल खान को बाद में बिठाते हैं, गूंगे गुज्जर को आप गूंगे गुज्जर को बाद में बैठाते हैं, दानियाल खान को पहले बैठाते हैं। आज गुंगा गुज्जर बैठ गया है, दोनों प्लेयर्स के पास टाइम है जी। एक प्लेयर आए हैं मलेशिया से, हम यहाँ पर खाने आए थे लोबस्टर, लेकिन लोबस्टर हमें यहाँ से मिला नहीं। कराची साले समंदर में भी गए हैं, मनोड़ा में भी गए हैं, लेकिन वहाँ से लोबस्टर हमको नहीं मिला। 1.5 मिनट हो गया जी। जी सर आपको पैगाम देना चाहिए, मेरे पास है जी, एक को पैगाम देना चाहिए। सर्विस से आप है आपके लिए खसूसी तौर से मौजूद है, आप लोगों का ख्याल करते हैं और रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है सारे लोग खड़े हैं। पहले सर्विस में होता क्या है जी? जो फैमिली आती है तो उनकी गाड़ी ले जाके पार्क करते हैं, फिर जब फैमिली निकलती है तो ले, ठीक हो गया। गुज्जर साहब दम लगा दिया आपने भैया, 2 मिनट हो गए हैं भाई जान माशाल्लाह से। भाई राणा कलीमुल्ला मेरा भाई है जी, बैंका चीमा गखट मंडी से इनका तल्लुक है और उनकी आज सालगिरह है। आज की वीडियो हम सिर्फ उनको डेडिकेट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में नेक तमन्ना है मेरे भाई के लिए, अल्लाह ताला उम्र दराज करे और अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानी से सारे मुसलमानों को महफूज रखे जी। ये भाई मेरे साथ मौजूद है, वैलेट सर्विसज है को कराची में, ये जितनी भी फैमिलीज आती हैं आपकी गाड़ियों को लेके जाते हैं, पार्किंग में खड़ी करते हैं, फिर जब आप लोग खाना खाने से फ्री होते हैं फिर वो आपकी गाड़ियाँ आपको ला कर देते हैं जी। गोल्डन मैन एंजॉइंग स्टैचू बन के खड़ा होना ये भी एक आर्ट है और ऐसे लोग भी हमारे माशरे का फ़र्द हैं, इन्हें भी माशरे का फ़र्द ही गिरदाना जाए। और जिस तरह हम अपने बच्चों के साथ खाना खाने जाते हैं इनको भी खाना में थोड़ा सा शेर इनका भी रखें तो ये हमारे लिए अच्छी बात है जी। पैगाम है जी मेरा आज का और 3 मिनट हो गए भाई बातों बातों में आपके भाई। एक प्लेट बिल्कुल फिनिश कर गया जी, मिर्चें खानी है तो मिर्चें भी खा सकते हैं भाई आप। 3 मिनट और 10 सेकंड हो गए हैं अदनान भाई एंड गुंगा गुज्जर, और ये बोतल जितनी पिए मर्जी है इनकी, मात्रा से कोई पाबंदी नहीं है, सारा फिनिश करो, उठाओ इसको सैलेड है ये सारा।
पंजाब की धरती से आया गुंगा गुजर और कर रहा है फिश खाने का कंपटीशन। अदू भाई का मुंह खाली होगा तो टाइम रोकेंगे भाई। रोक दे, वो खाली कर दे। मुंह खाली करोगे तो रोकूंगा भाई टाइम। दादा 3:34.4 नैनो सेकंड है भाई। अब जो दूसरी टीम बैठेगी उसको इससे कम टाइम में खाना पड़ेगा भाई। दूसरी टीम हमारे साथ मौजूद है जी। ये भाई आए हैं मलेशिया से। ये भाई कहते थे कि मैं खा सकता हूँ सी फूड, सी फूड में लोबस्टर मिल जाए, केकड़ा मिल जाए, लेकिन हमने बड़ी तलाश की, हमें उस मेयार का, उस स्टैंडर्ड का नहीं मिला जो हमारे नाज़रीन देखना चाहते थे। अगर मिलता तो उसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाते हैं कराची में इंशाल्लाह। लोबस्टर की या केकड़े की वीडियो ज़रूर बनाएंगे और अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। भाई जान आप दोनों भाई रेडी हैं जी? टाइम कितना इनके पास है? 3:34 इनके पास। 4:99 करें मैं स्टार्ट? 1, 2, 3 टाइम स्टार्ट है भाई। 3:34.4 होंगे इस टीम के पास और इस टीम ने खाना होगा इस सारी फिश को। 2 kg ये फिश है भाई, झींगा है इसमें और मुख्तलिफ किस्म की दूसरी फिशेज हैं और देखना ये होगा कि ये कितनी देर में खाते हैं। ये बोनलेस फिश है, यानी कि फिंगर फिशेज हैं। तो 20 सेकंड गुजर गए हैं भाई। दानियाल मलेशिया से आया हमारा भाई, देखते हैं जी उसकी कितनी स्पीड है। और दानियाल खान बड़ी स्पीड दिखा रहे हैं भाई। तालिया भाई जरा, तालिया भाई दानियाल के लिए भाई, तालिया जरा। आज भाई गुजर को काम लगेगा मुझे लग रहा है भैया। 40 सेकंड हो गए हैं, 3:34.4 नैनो सेकंड हो गए इस टीम के पास। और अगर ये टीम उस टाइम से पहले फिनिश कर लेते तो ये टीम विनर होगी जी। शाबाश 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 दानियाल खान। 1 मिनट आपका होने वाला दोनों भाइयों का भाई। मलेशिया वाले भैया, अरे भाई क्या हो गया भाई? लाला कह रहा है इसने सुबह से खाना नहीं खाया। ये भाई घर से खाना खा के नाश्ता करके निकले हमारे साथ। इस भाई का मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे साथ नाश्ता करके आया फिर इधर। 1:20 हो गया भाई। जी लाला वाले ने 2.5 किलो गोश्त मेरे सामने नहीं खाया। किसने? अरे क्या होगा, किधर देख लिया तुमने? अपनी तरफ से मामू बना रहे हैं भाई, हमको पीछे खड़े हो गए। 1.5 मिनट हो गया भाई। तालियां जी। 1 kg फिश इनकी फिनिश हो गई है। अब देख ले ये होगा आज गुजर पहली दफा किसी भी चैलेंज में हारेगा या नहीं। सर सिगरेट बंद कर दे मेहरबानी आपकी, माइंड ना कीजिएगा भाई। 2 मिनट होने वाले हैं भाई जान आपके। शाबाश 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 दानियाल। दानियाल खान भाई आज कर रहा है कंपटीशन गुंगे गुजर के खिलाफ भाई। शाबाश शाबाश, मुंह खाली कर ला पहला। शाबाश, गुड 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 गुड, अच्छे जा रहे हो भाई। बोनलेस फिश ये खा रहे हैं दोनों भाई। 2 kg इस फिश का वेट है भाई। और ये 2:15 हो गए भाई। उखरा 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 लाखा उखरा। वो कह रहा तुम भी खाओ। 1 मिनट इस टीम के पास पड़ा और इनके पास सिर्फ 1 मिनट पड़ा जी। शाबाश 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 शाबाश, वॉमिटिंग नहीं कर रही दानियाल। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। आज गुजर का सर्विनाश हो गया है भैया। चंदनपुर का मेला लूट लिया दानियाल खान ने भाई। 3 मिनट इन टीम के होने वाले हैं भैया। 2:55 उसकी तरफ ध्यान ना करो, तुम अपना मुंह खाली करो। 3:02 हो गए भाई। आराम से आराम से आराम से, खुला टाइम पड़ा आपके पास। मुंह खाली से इतना करके इतना गुजर को दिखा दे रहा, मुंह इतना गुजर को दिखा भाई इतना। 3:15 भाई, आज चंदनपुर का मेला लूट लिया है दानियाल खान ने भाई। और बड़ा मजा आया यहाँ पर फिश का कंपटीशन करके। राणा कलीमुल्ला भाई आपकी बर्थडे भी भाई सेलिब्रेट हो गई आज। केक हम नहीं काट सके क्योंकि यहाँ पे इर्द गिर्द हमें बेकरी नहीं मिली, लेकिन अगर बेकरी मिलती तो केक भी ज़रूर कट करते। लाए भाई कैश मनी लाए भाई की। जीत नाजरीन, आज हम मौजूद थे हसन स्क्वायर, ये फूड स्ट्रीट है। यहाँ पर सिर्फ सी फूड्स मिलती हैं और यहाँ पर आज हमने झींगे का और फिश खाने का कंपटीशन किया जो कि विन किया है दानियाल खान। और ये भाई आए हैं मलेशिया से, ये सिंगल फादर हैं। इनसे भी जानेंगे कि भाई इनके हमने राइड बुक की इनके साथ
तो इनके साथ एक बच्चा था, इस बच्चे की क्या स्टोरी, ये भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अब ये मेरे साथ गोल्डन मैन मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बोलो तो सही। क्या बोलूं, गोल्डन गोल्डन नहीं, अपना नाम बताओ, क्या हाल है आपका? ठीक है यार, इस कास्ट्यूम में आपको गर्मी नहीं लगती है? ठीक है, कितनी देर से आप इस कास्ट्यूम में हो? और इसके अलावा क्या आप स्कूल पढ़ते हो या कोई? स्कूल नहीं पढ़ते हो, क्या वजह है स्कूल ना पढ़ने की? भाई को वजह भी तो होगी, को पैसों की कमी है या वैसे ही पढ़ने का दिल नहीं करता? पैसों का कमी है जी। ऐसे बच्चों को, ये बच्चे भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए लग्जरी आइटम्स पसंद करते हैं, इन बच्चों की अगर आप कोई भाई भी फीस भी पे कर दे तो ये भी आपके लिए एक सदका जारी है, ताकि ये लोग भी पढ़ लिख कर मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बन सके। और बजाय इसके कि ये रोडों पर खड़े होके आपके चंद रुपयों के अतर या चंद, जिसको आप कह लें कि ब्राइब कह लें, भीख कह लें, उसके अतर ये लोग खड़े रहें, ये भी मुनासिब है। ये लोग भी हमारा हिस्सा हैं, इनका ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। अभी आप हमारे साथ रहेंगे, आप हमारे साथ खाना खाएँगे, उसके बाद फिर आप जाएँगे। ठीक है जी, चलें जी, आए भाई इधर, आप इधर आएँ, मैंने इधर आपकी स्टोरी पूछनी है। बेटा इधर आप बैठ जाओ हमारे साथ, इधर बैठो, खाना खाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है भाई आपका? शहरियार भाई, पहले तो मैं ये बताएं कि बड़ा तेज सा छोटा सा बच्चा आपके साथ है, ये बच्चा आपके साथ क्यों है? अमूमी तौर पे बच्चे घर पे माओं के साथ रहते हैं, तो ये बच्चा, हम पिछले 2-3 घंटों से आपके साथ घूम रहे हैं, मनोड़ा में गए हैं, क्लिफ्टन में गए हैं, किमाड़ी में गए हैं, मुतरिव एरियाज में हम गए हैं, ये बच्चा आपके साथ ही कंटिन्यू, या इसकी मामा नहीं है, या कोई सेपरेशन हुई है आप दोनों के? इसकी मामा है, सेपरेशन हुई है, उसकी वजह ये है कि वो आजकल पाकिस्तान में तालीमी याफ्ता औरतें ज़्यादा हैं, तो वो अपनी अयाशियाँ देखती हैं, औलाद को नहीं देखती। 22 महीना का बच्चा छोड़ के गई नहीं, माशाल्लाह अब 4 साल का है और खुश है। तो आप इस बच्चे को आप ही पाल रहे हैं, ये बच्चा आपके साथ, जारी सी बात है, बच्चा खुराक खाता है, उसका कैसे मैनेज करते हैं आप? बस इसका पैंपर्स वगैरह सिखा देता है, खुराक इसकी, कोई पैंपर नहीं है, सब कुछ सही है, कोई खुराक नहीं है, नॉर्मल खुराक है, जो मैं खाता हूँ वो ये खाता है। और ये बच्चा बड़ा तेज बच्चा है माशाल्लाह से, ये मेरा शेर है। अच्छा जी, चलें जी, वजूहात जो भी हो, हस्बैंड वाइफ को ये दोनों, इन दोनों को ऐसे रहना चाहिए, जुड़े रहेंगे तो ये अच्छा होगा औलाद के लिए भी। आप बच्चों को छोड़कर अपनी याशियों में मगन हो जाएं तो ये माशे के लिए बिगाड़ का सबब है। बहरहाल जी भाई, इनके पीछे जो भी स्टोरी है, स्टोरी का तो हमें नहीं पता, लेकिन ये तकलीफ़ दे बात है कि एक छोटा सा बच्चा इस उम्र में अपनी माँ से दूर है, क्योंकि जो परवरिश माँ कर सकती है वो बाप नहीं कर सकता, क्योंकि बाप सारा दिन ये काम करेगा या अपने बच्चे को साथ पालेगा। सर ये आप दोनों भाइयों का इनाम है जी, और ये दोनों डिवाइड करेंगे जी, आप दोनों भाई। ये हमारे आज के पैगाम थे, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको आप शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम लोग स्टार्स बनते हैं, कराची आए हैं आप लोगों की सपोर्ट लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में हमें अपने नाज़रीन की सपोर्ट भी मिलेगी, और आप इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ शेयर करके मेरी मज़ीद हौसला अफजाई करेंगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।